अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह जैसे ही उठा ना, तो मैं तो खैर सोया हुआ था, घर वालों ने उठाया, उन्होंने कहा कि यार अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, फीवर, इतना ज़्यादा फीवर था कि मैं परेशान हो गया यार। और मम्मा ऐसे ना कहाँ पर रही सर्दी से, गर्मी थी और गर्मी में उसे ठंड लग गई थी। मैं उसे ले आया यहाँ पर हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने कहा है कि इनके पेट में हर्निया है, उनका ऑपरेशन होगा और फीवर भी बहुत ज़्यादा है। मेरी मम्मा के लिए दुआएं करना, जैसा भी होगा इंशाल्लाह मैं यहीं पर ही होऊंगा, जो भी होगा इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, सब सेट हो जाएगा। मैं जाने लगा हूँ घर की तरफ, खाना भी खाना है। A few moments later. दुआ करोगी? दादी बीमार है, दादी के लिए दुआ करोगी ना? हैं? मैं आज सारा दिन जो है ना टेंशन में था, इसी अम्मी की टेंशन में। अम्मी ठीक हो जाएगी तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बहुत टेंशन होती है यार, क्या करें। सुबह जैसे ही गया तो मैंने फिर वहाँ वीडियो व्लॉग बनाना अच्छा नहीं समझा। बाकी अल्लाह खैर करे, सब दुआएं करेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अभी तो खैर फीवर है, फीवर के बाद वो कह रहे हैं कि इनका ऑपरेशन करवाओ, ऑपरेशन देखते हैं, अब अगर हुआ तो ऑपरेशन करवा देंगे। मेरी बुलबुल भी परेशान है कि दादी अम्मा नहीं आई ना। दादी अम्मा देखो वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रोग्राम भी हमारा क्लियर हो गया था कि मैं कहीं ना कहीं जाऊंगा, लेकिन अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई तो मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। देखते हैं जैसे अम्मी ठीक होगी इंशाल्लाह फिर जाएंगे बाहर की तरफ, आपको बाहर बहुत सारे व्यू दिखाएंगे, VIP वाले। नाश्ता करना है? नाश्ता करोगी? नहीं करना? मम्मा की शायद आज छुट्टी हो जाए, डॉक्टर कह रहे थे कि अगर सेट हो गई तो फीवर नहीं रहा तो कल छुट्टी मिल जाएगी। अल्लाह खैर करे, अब पता करते हैं, देखते हैं कि अगर छुट्टी देते हैं तो अच्छी बात है, अगर तबीयत सेट नहीं है तो फिर एक दिन रुकेगी। फटाफट से अब नाश्ता करते हैं, नाश्ते में सिर्फ पराठा और चाय। मैं यही सोच रहा हूँ कि अम्मी का ऑपरेशन होगा, उसके बाद क्या होगा यार। मम्मा को शुगर भी है, शुगर की वजह से ना ऑपरेशन बड़ा हार्ड होगा, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, जैसा होगा देखेंगे। भाई नाश्ता हो गया क्लियर, और हॉस्पिटल से कॉल आई है कि हॉस्पिटल में आओ, डॉक्टर को फाइलें दिखानी है। निकलते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं हॉस्पिटल, मम्मा से मिलते हैं। तुमने नहीं आना, तुम नहीं आओगी भाई, मैं अकेला जाऊंगा। ये देखो सारे कपड़े मेरे गंदे कर देती है इस तरह है। मैं जा रहा हूँ बुलबुल, मैं दादी अम्मा के पास जा रहा हूँ। चुके हैं हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है। A few moments later. मैंने फाइलें उनको दे दी हैं, अंदर गए हुए हैं, फाइलें लेके फिर वापस आएंगे तो देखेंगे। मैडम अंदर है, मैडम को फाइल दिखाएंगे। ये देखेंगे रिपोर्ट है, ये मैडम को दिखा दिए। मैडम कह रही है कि टेस्ट तो साफ आए हैं, अब वो इनका ऑपरेशन भी होगा लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। वो कह रहे हैं कि इनका फीवर ख़त्म हो जाए, खांसी ख़त्म हो जाए, उसके बाद खांसी ख़त्म हो जाएगी इसे घर ले जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद लेके आएंगे हॉस्पिटल में, यहाँ इनका ऑपरेशन होगा। अल्लाह खैर करे, दुआएँ करना, इंशाल्लाह ऑपरेशन अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, क्योंकि अम्मी को शुगर भी है, शुगर का मसला बहुत ज़्यादा है। शुगर की वजह से टेस्ट जो है ऑपरेशन का मसला बन सकता है। वो कह रहे हैं कि शुगर कम हो जाएगी तो इंशाल्लाह इनका ऑपरेशन हो जाएगा। देखते हैं, अल्लाह खैर करे, चलते हैं मम्मा के पास, ऊपर जाता हूँ मैं, डॉक्टर से मिलता हूँ। A few moments later. जा रहे हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन का चेक करेंगे कि कब किया जाए। मम्मा मेरे साथ है, मम्मा को ये देखें, ये भी लगा हुआ किनोला। डॉक्टर चेक करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ऑपरेशन कब किया जाएगा, है मम्मा? अल्लाह खैर करेगा, कोई नहीं है, टेंशन नहीं लो, मैं हूँ ना आपके साथ, अल्लाह खैर करेगा। अब कल से शुक्र अल्लाह पाक का, अब ठीक है। कल बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, आज कुछ बेहतर लग रही है। अब आइए चलकर, तो चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत कमज़ोरी है, खैर अल्लाह खैर करेगा। डॉक्टर आ गई, मम्मा को चेक कर रही हैं और मैं बाहर आ गया। डॉक्टर ने क्या कहा? अच्छा, वो कह रहे हैं कि हर्निया का ऑपरेशन तो पहले भी कराया था, लेकिन हर्निया को नहीं हुआ था, वो रसौलियों को हुआ था, रसौलियों का ऑपरेशन हुआ था, अब हर्निया को होगा, यानी दो दो ऑपरेशन। वो बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है, एक साल लगा, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसकी वॉशिंग बहुत ज़्यादा एहतियात कराया, अब होगा हर्निया का ऑपरेशन, पहले हुआ था रसौलियों का। अल्लाह खैर करे, दुआएँ करना, इंशाल्लाह मम्मा ठीक हो जाए।
ये भी ऑपरेशन होगा तो इंशाल्लाह मैं साथ होऊंगा, सारा कुछ मैं करता हूँ, क्योंकि मैंने ये काम करा हुआ है, मैंने 4 साल ये काम करा हुआ है मेडिकल का, मैं सब कुछ समझता हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये भी काम ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा था फाइल ले आओ, फाइल भी ले आए, ये भी पड़े हुए हैं, ये भी फाइल है, ये फीवर का है, ये भी फाइल है। अबू जा रहे हैं भाई, भाई आ चुके हैं घर। इस व्लॉग का दूसरा दिन है, 2 दिन हो गए यही व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मैं और व्लॉग बना ही नहीं पाया, क्योंकि मम्मा की तबीयत ख़राब थी, वो हॉस्पिटल में थी, मुझे टेंशन थी, मैं मेरा मूड ही नहीं कर रहा था कि व्लॉग बनाऊँ। डॉक्टर ने कहा है कि ये सेट हो जाए, खांसी भी इनकी ठीक हो जाए, देन उसके बाद जो है उनका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा तो वो देखते हैं, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह मैं मम्मा के साथ हूँगा, मैं उनकी सारी सेफ्टी करूँगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और बाकी आप लोगों ने दुआएँ करनी है मम्मा के लिए, मम्मा ठीक हो जाएगी। बुलबुल ठीक दिखाओ, ठीक अभी फ्री हुआ और बिलाल भाई ने कहा था कि भाई मुझे बुला लेना, साथ जाएंगे। कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट। चाय भी लिया है मम्मा के लिए, ये फीकी चाय है, इसमें शुगर नहीं है। फीकी है ना? फीकी। सही बताओ। हाँ ऐसे में मीठी ले आया तो फिर वो नहीं पी सकेगी, फिर मैं पीऊंगा। दवाइयाँ टाइम पे देते हैं। अभी तबीयत कैसी है? ठीक है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, सुबह मुझे लगता है छुट्टी मिल जाएगी। ये देखिए किनोला लगा हुआ है, कल लगाया था और आज सुबह फिर ख़राब हो गया, तो ये मैंने लड़के को कहा कि यार ये आप लगाओ, वो जो कल वाला था ना वो मैंने लगाया था, बड़ी मुश्किल से लगा था, मुझसे लग रहा नहीं था। सही है अभी ला के बाय बाय, हम जा रही है, देखो वो जा रही है। बुलबुल मैं आ गया हूँ, मम्मा से मिल के आ गया हूँ। लगता है आज बुलबुल ने मेरा बहुत इंतज़ार किया, लेकिन मैं लेट हो गया, 12 बज गए थे मैं घर आया हूँ, तो बुलबुल भी सो गई है, और मम्मा ने मुझे कहा कि भाई टाइम देखो कितना टाइम हो गया, मम्मा के साथ गपशप लगा रहा था, पता ही नहीं चला टाइम का, क्या पता कल मम्मा को छुट्टी मिल जाए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अगर तबीयत ठीक हुई तो मम्मा को ले जाना घर। अब देखते हैं सुबह, और आज तो मैंने मम्मा को देखा, माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, मम्मा आज बहुत अच्छी लग रही थी, उनको फीवर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, मम्मा ने कहा सुबह से मेरी तबीयत सेट है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल छुट्टी मिल जाएगी और मम्मा घर आ जाएगी। तो इस व्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ, अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, जिन्होंने सपोर्ट करना है यहाँ सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।